इंदौर में सरकार से नाराज किसानों ने शुक्रवार को बीच सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर विरोध किया। किसानों ने इस दौरान सरकार से समर्थन मूल्य नहीं मिलने की बात कही। इंदौर के वीआईपी रोड पर हुए इस चक्का जाम से लगभग एक घंटे तक यातायात बाधित होता रहा। किसानों द्वारा चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश दी। पुलिस ने किसानों को संबंधित एसडीएम से मिलकर अपनी समस्या बताने की बात कही। किसानों की अपनी मंडी संबंधी समस्या थी, इनके समर्थन मूल्य और दूसरों के लेकर, तो इनको समझाइश दी गई है कि आप लोग अपनी मांग संबंधित एसडीएम साहब से बात करें। उन्होंने बात को माना है और यहाँ से अब चले गए। बोलो, ये 8-10 ट्रैक्टर थे यहाँ पर और वो लोग थे, लेकिन उनको समझाइश देने पर सब लोग चले गए यहाँ से। करीब 50 से अधिक किसानों ने घंटे भर तक सड़क पर ट्रैक्टर खड़े करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस दौरान अव्यवस्थाएं भी पैदा हुई, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों ने किसानों को शांत कर वापस भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।